चलिए जल्दी जल्दी आइए बेटा। पेज क्रमांक मॉडल प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं हम, है ना। पृष्ठ क्रमांक 113, ठीक निकालिए सर। पृष्ठ क्रमांक 113 ओपन कीजिए। सभी बच्चे आते तक जितने भी अभी जुड़े हुए हैं प्लीज ओपन कीजिए बेटा। जल्दी जल्दी जुड़िए। जल्दी जल्दी कोई आगे आ ही नहीं रहा है। हाँ ओके, देखिए अब तो सभी बच्चों को सुमध्यानम। हाँ अभी उसके बाजू में ही देखो भाषा खेल 4 नंबर दिया हुआ है। भाषा खेल क्रमांक 4 दिख गया सभी को। उसमें देखो चित्र दिया हुआ है और साथ में शब्द लिखे हुए हैं, उन दोनों को जोड़ के आपको बनाना है। इसके पहले की जो कक्षा थी मैंने उस कक्षा में आपको जो है अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं ये सिखाया था, है ना। और उसी में अभी देखो हम अब जो है अनुच्छेद लेखन आपको सबको आता है अपने मन से कैसे लिखना है हमें, है ना। तो उसके लिए आप ये ध्यान रखो कि आपको अपने मन से लिखना है और ये भाषा खेल जो होता है इसको आपको साथ में जोड़कर बनाना है, ठीक है। हाँ भाषा खेल नंबर जो है 112 है और उसके बाद वाला प्रश्न पत्र हमको तैयार बाजू के पन्ने में करना है 113। मतलब खेल जो है उसको आपको बता रही हूँ कि कैसे आप करेंगे, कैसे जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। चलिए आइए मॉडल प्रश्न पत्र 1। ये जो पेपर है आपको बिना आपको देखो ऐसे प्रश्न पत्र आते हैं और इसमें 50 नंबर का मॉडल प्रश्न पत्र है। इसके ऐसे ही मैं प्रश्न पत्र भी आपको बनाकर गूगल क्लासरूम में हम भेजेंगे, ठीक है। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा था इसलिए हमने नहीं भेजा था, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही प्रश्न पत्र आपको आएंगे, देखो सही वाक्य के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत लगाओ, ये दिया हुआ है। ये प्रश्न पत्र आपके पाठ 1 ग्रामर का व्याकरण संबोध के पाठ 1 जो है उसमें से स्टार्टिंग से लिया गया है, है ना। तो हाँ आपको ये नोटबुक में भी लिखना है और इसको हल करके देखना है, ठीक है। ये प्रश्न पत्र अभी अभी आपके पास मॉडल प्रश्न पत्र मैं बता रही हूं आपको 2 है, फिर उसके बाद अभ्यास प्रश्न पत्र में 1, 4 अभ्यास प्रश्न पत्र, 4 या 5 अभ्यास प्रश्न दिए हुए, ठीक है। उनको हमको हल करना है ताकि हाँ अभ्यास प्रश्न 6 पूरे व्याकरण की जो किताब है बेटा उस पर आधारित 6 अभ्यास प्रश्न पत्र और 2 मॉडल प्रश्न पत्र दिए। इन 8 प्रश्न पत्रों को हमको हल करना है और इस पर ही
ही आधारित प्रश्न पत्र बनाकर मैं आपको जो है आपके हम गूगल क्लासरूम में भेजेंगे और वैसे ही आपको हल करके आप मुझे भेजेंगे। हम एक साथ आपको 14-15 प्रश्न नहीं देंगे, आधा आधा, ठीक है? 6 प्रश्न पत्र का एक क्वेश्चन पेपर रहेगा और वैसे तो वैसे ही मैं जो है आपको जो आपका सिलेबस है उसके आधार पर, क्योंकि आपकी परीक्षा अभी फरवरी में एक और PT3 होगी, है ना? तो एक एग्जाम अभी फरवरी में होगा, तो उसके लिए आपको जो है सिलेबस जो है हम आपको 30 तारीख तक दे देंगे कि उसमें क्या क्या आएगा। वो भी 30 मार्क का ही पेपर होगा, जैसे पहले होता था वैसे ही, और आप गूगल क्लासरूम में ही भेजेंगे। समझ में आया? तो ये चीज का ध्यान में रखना है। तो हम इसको हल करना शुरू करते हैं और आप जो है एक प्रश्न पत्र मैं कल से आपको दिखा रही हूँ और ऐसे ही प्रश्न पत्र आपको भेजेंगे, ठीक है? तो सभी ने पृष्ठ क्रमांक 113 निकाल दिया है, है ना? तो चलिए स्टार्ट ना। अभी इसे पहला एक्सरसाइज नंबर 1 मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ बेटा, आपको जो है आप जो है उसमें हल करते जाइए मेरे साथ, है ना? चलिए, सही वाक्य के आगे सही और गलत कथन के आगे गलत लगा। पहला दिया, भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। सही है, ऐसे। दूसरा, लिंग सिर्फ एक प्रकार का होता है, रॉन्ग। लिंग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, रिवीजन भी हो रहा है हमारा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो ये गलत। थर्ड, आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। सही, हम अपने से बड़े को या अगर किसी अनजान व्यक्ति को बोलना है तो हम तुम करके नहीं बुलाएंगे, हमें हमेशा आप करके कहते हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यह वाक्य सही है। फोर नंबर, कुछ काम अपने आप होते हैं। सही बात है, है ना? हवा अपने आप चलती है, ठीक। बारिश अपने आप होता है, है ना? तो ये सब कुछ काम है। फूल अपने आप खिलता है, सूरज अपने आप उगता है, चंद्रमा अपने आप दिन होते ही छिप जाता है, तो कुछ काम अपने आप होते हैं, ठीक है? ये जी वाक्य क्या हुआ? सही। फिफ्थ नंबर, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थी कहते हैं। गलत है ये, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। तो ये क्या होगा? गलत। और एक्सरसाइज नंबर 2, अब उस पर लिखा है 2-2 शब्द लिखो। रीति मात्रा वाले 2 शब्द लिखना है जिसमें रीति मात्रा लगी हो। तो एक आएगा वृक्ष, रीति मात्रा लगे हमें, और दूसरा आएगा पृथ्वी मतलब धरती माता। री वाले शब्द नहीं बोला, ऋषि लिखना है, ऋषभ लिखना है, आपको उसकी मात्रा लगाकर शब्द लिखना है, ओके? फिर तीसरा लिखा है अनुस्वार, अम की मात्रा, तो क्या आएगा? पतंग। और दूसरा लिखो बंदर। तीसरा है त्र वाला शब्द, तो लिखो पत्र। और दूसरा लिखो चित्र। ऐसे लिखते जाना है आपको, है ना? अभी तीसरा देखिए, आधा न अन्न वाले जो है शब्द लिखने हैं आपको, तो यहां पर आया संपर्क, इसी का चौथा नंबर ना, तो लिखो इसमें भिन्न, और पन्ना,
गन्ना, सॉरी गन्ना लिखा मैंने। फिर है इट्स अ साइज नंबर थ्री। दो दो उदाहरण दीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप अपना नाम लिख सकते हो, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा आप भी हैं, एक अपना नाम भी लिखो और साथ में। तो एक मान लो मैंने लिखा राम और दूसरा लिखा राजूरा। स्थान का नाम व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक संज्ञा अनाज, फल, इसमें सब फल आ गए इसलिए। भाववाचक संज्ञा खुशी, हरियाली, ठीक है। ये संज्ञा चल रहे हैं हम एक्सरसाइज नंबर फोर। लिंग बदलो, राजा का रानी, सब रिवीजन होगा। नौकर नौकरानी, और करके दूसरे में आएगा यहाँ पे बंदर बंदरिया। चलिए इतना लिखिए फिर मैं लिखा रही हूँ, जल्दी कीजिए। जल्दी करो बेटा, ये लो हमने आपको दिया समय, लिखिए जल्दी से। फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, ये पोर्शन कंप्लीट हो गया सबका। मैं रब कर दूं इसको, ये रब कर दे, कोई लिखकर बताइए ये वाला पोर्शन हो गया तो हम इसे रब करेंगे। ओके तब तक उधर का लिखिए, है ना। ओके रख कर दिया बेटा, थैंक यू बताने के लिए, है ना। अब आया एक्सरसाइज नंबर फाइव। गुड़िया चंद्रबिंदु दिया हुआ है हमको, सिंगल बहुवचन दिया है, हमें क्या बनाना है एक वचन। तो गुड़िया का क्या बनाएगा, गुड़िया बस। फिर पतंग दिया है तो पतंगे आपको बनाना है, पड़े फिर है इधर लड़के लड़का कोई आ सकता है आपको। तितली तितलियां, ऐसे ठीक है। अब नीचे वाला प्रश्न था, नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाओ, है ना। तो आपको क्या करना है, जो सर्वनाम शब्द दिए गए हैं उनसे आपको वाक्य बनाना है, समझ में आया ये। अब इसके आगे के जो पेजेस हैं, पीछे पृष्ठ क्रमांक 114, ये हम आपको कल कराएंगे।
ताकि आपको एक मॉडल प्रश्न पत्र हल करा दे हम, ठीक है। तो उसी के आधार पर हम आपको प्रश्न देंगे, और जो है जैसे 6 प्रश्न आज हमने किया तो हम 6 प्रश्न के आधार पर आपके लिए क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। तो बेटा है ना, तो आज के लिए बेटा है ना टाइम हो रहा है, तो आज हमने इतना ही आपको सिखाया। और इतने जो प्रश्न आपने हल किए, सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाना, वचन बदलो, लिंग बदलो, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा बनाना, ये हम सबको इसलिए अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ये आपको जब तक आप हिंदी पढ़ेंगे तब तक आपको ये काम आएंगे, है ना। और भाषा तो आज के लिए, और मात्राएं, अगर हमें मात्राएं, वर्ण और भाषा और पुस्तक पढ़ना और मात्राओं का सही प्रयोग करना अच्छे से आ गया तो फिर हम हिंदी कभी नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए, ठीक है। धन्यवाद बेटा।